मैजिकल परफ्यूम चोर। बाजापुर शहर एक शांत शहर था, लेकिन कुछ दिनों से वहां अचानक ही बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी। पर इतनी चोरियों के बावजूद चोर पकड़ा नहीं जा रहा था। उस चोर की खास बात थी कि वो हमेशा एंटिक चीजों की चोरी करता, और वो जहां भी चोरी करने जाता वहां पहले खास किस्म का परफ्यूम छिड़कता, और जैसे ही लोगों का ध्यान खुशबू की तरफ आकर्षित होता चोर पीछे से हाथ साफ कर देता। उसकी इसी आदत के कारण लोग उसे मैजिकल परफ्यूम चोर कहने लगे। एक दिन जगी दोस्तों के साथ घर से बाहर जॉगिंग कर रहा था। भाई ये कैसा चिंदी चमकीला चोर है यार, चुराता है भी तो क्या, चश्मा, कुर्सी, सोफे, शैम्पू, शेरवानी। अरे भाई चोरी करनी है तो बैंक में करो, मुझे तो ये मैजिकल परफ्यूम चोर ढीली खोपड़ी का आदमी लगता है। लगता है किसी दिन ये चोर पतलून पैजामे चुरा लेगा। तभी उन्हें अचानक से परफ्यूम की खुशबू आने लगी और आसपास धुआं हो गया। खुशबू सूंघते ही तीनों चौकन्ने हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जगी की पतलून नीचे गिरी दिखती है, जिसे देख उसके दोस्त हंसने लगे। अरे परफ्यूम चोर पतलून का नाड़ा चुरा ले गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। अरे यार नाड़े के लिए क्या रो रहा है, उसने कौन सा तेरा कोई खजाना चुरा लिया है। फिर जग्गी थाने जाकर नाड़ा चोरी की कंप्लेन लिखवाता है। अरे हम पुलिस वालों को तूने पागल समझ रखा है क्या, नाड़े चोरी की कोई कंप्लेन लिखवाता है क्या, और कितने निठल्ले आदमी हो तुम, चोर को भी तुम्हारे पास नाड़े से कीमती कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब मैंने उस नाड़े में सोने की चैन छुपा रखी थी ताकि चोर ना ले जा सके। ठीक है हम कुछ करते हैं तुम्हारे नाड़े का। ऐसे ही एक रात गांव में पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी आता है और पेट्रोल भरने कहा जाता है। ए भाई इस प्यारी राम प्यारी का पेट फुल कर दो, गाड़ी का टैंक फुल कर दो। तभी उसे परफ्यूम की अच्छी खुशबू आने लगती है। वाह वाह इस वीराने चमन में चमेली की चश्मा, आह क्या खुशबू है, दिल खुश हो गया, ये लो पैसे। ऐसा कहकर वो गाड़ी स्टार्ट करता है, पर हेडलाइट चालू ही नहीं होता है। आगे जाकर देखता है तो गाड़ी के हेडलैम्प चोरी हो चुके होते हैं। ये क्या हो गया रे, मेरी राम प्यारी की आंखें कौन ले गया रे, बेचारी को अंधा कर गया। ये लाइट इसके लिए खास जर्मनी से मंगवाई थी, अब ये बेचारी राम प्यारी राम को प्यारी हो गई। ऐसा करके वो रोने लगा। फिर वो भी पुलिस स्टेशन जाकर लाइट चोरी की कंप्लेन लिखवा आया। मैजिकल परफ्यूम चोर रोज रोज की शिकायतों के कारण पुलिस उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर उसकी हाथ की सफाई के आगे पुलिस ने भी माथा पकड़ लिया। एक दिन शहर का परफ्यूम व्यापारी सुगंधी लाल टीवी पर आया। तो बताइए सुगंधी लाल जी, शहर में होने वाली इस चोरी की वजह से आप भी किसी चिंते में हैं? चिंता नहीं, बहुत बड़ी चिंता में हूँ। मेरे पास हजारों साल पुराना परफ्यूम है, जो दुनिया की आखिरी बोतल है, जो मेरे परदादाओं के जमाने से हमारे पास है, जिसकी महक से स्वर्ग का अनुभव मिलता है। मुझे डर है कि मैजिकल परफ्यूम चोरी से भी ना चुरा ले। तो सुगंधी लाल जी आपकी चिंता काफी गंभीर है। अरे साहब गौतम गंभीर से भी गंभीर है, इतनी गंभीर है कि पहले मुझे कब्ज की बीमारी थी, लेकिन जब से ये चोरियां हो रही है तब से दिन में 4 बार पेट साफ हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस परफ्यूम की पुलिस निगरानी करे। परफ्यूम चोर यह न्यूज देखता है, इसे चुराने का प्लान बनाता है। अगले दिन रात मैजिकल परफ्यूम चोर चोरी करने के लिए सुगंधी लाल की दुकान में ताला तोड़कर अंदर घुस गया और वहां से परफ्यूम चुरा लिया। बैग में डालने से पहले चोर बोला, आ ये तो मस्त एंटिक माल है, थोड़ा अभी ट्राई करता हूँ, धरती पर स्वर्ग का मजा मिलेगा। ऐसा कहकर वो परफ्यूम स्प्रे करता है। आ आ आ क्या खुशबू है, अरे ये क्या हो रहा है, परफ्यूम सूंघ के मुझे बोतल डबल डबल क्यों दिखाई दे रहे हैं, मेरे आंखों के शटर क्यों बंद हो रहे हैं। ऐसे कहते हुए चोर बेहोश हो जाता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और पानी के छींटे डालकर उसे उठाया जाता है। आखिर तू जाल में फंसी गया, वैसे कैसा लगा स्वर्ग का अनुभव, अब चल तुझे नरक का भी अनुभव कराते हैं।
ये कहानी है नंदनपुर में रहने वाले दो लोगों की, रमेश और सुरेश, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। छोटी छोटी बातों के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते थे। गांव वाले भी इन दिनों की लड़ाई को खत्म करवाने के बजाय दोनों की लड़ाई का मजा लेते थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का आदमी भी रहता है, एक नंबर का बदमाश लड़का था, लोगों की लड़ाई करवाकर अपना फायदा निकालता था। एक दिन रमेश और सुरेश किसी बात पर लड़ रहे थे। क्यों रे, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है? हाँ समझता हूँ, तो तुझे क्या, कल मैंने एक कपड़ा खरीद के लाया, तूने हूबहू मेरे जैसा ही कपड़ा खरीद लिया। हाँ तो मेरा पैसा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तू मुझे कॉपी क्यों करता है, खुद का दिमाग नहीं चला सकता? मेरा पैसा मेरी मर्जी, मैं किसी में खर्चा करूँ, वैसे भी मैं कुछ भी खाऊं कुछ भी पहनूं, तू बोलने वाला कौन होता है रे? दोनों के दोनों बेमतलब का लड़ रहे थे। तभी वहां पर इन लोगों की लड़ाई को देखकर मोहन वहां पहुंच जाता है। अरे यार तुम लोग क्यों लड़ाई करते हो, छोड़ो सुरेश भाई, रमेश भाई, ऐसा करके मोहन दोनों को समझाने लगता है। दोनों मोहन की बात सुनते भी थे क्योंकि वो सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा लेता था। इसके बाद से वहां से चले जाता है। मोहन सुरेश के साथ चला जाता है। अरे भाई सुरेश, तुम कहाँ उस मूर्ख रमेश की बातों में लगते हो, वो तो है ही मूर्ख, हमेशा तुम्हारी कॉपी करते रहता है, जलता है तुमसे, छोड़ ना यार। अगले दिन मोहन रमेश से मिलता है। अरे मोहन भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है भाई, तुम बताओ। अरे वो सुरेश तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था, बोल रहा था साले के पास काम धाम नहीं और हीरो बना फिरता है। क्या, और क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि रमेश को ना तो कपड़े पहनने का सेंस है ना तो चलने का सेंस है, हमेशा मेरी कॉपी करते रहता है। ऐसा कहा उसने? हाँ भाई, और तुम्हें तो मूर्ख और क्या क्या बोल रहा था, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था सुन सुन के, मेरा तो मन हो रहा था कि उसको एक थप्पड़ जड़ दूं, लेकिन अच्छे घर का हूँ इस कारण मैं चुप रह गया। ऐसा, देखता हूँ मैं उसको, ऐसा कहकर रमेश गुस्से से वहां से जाने लगता है। अरे भाई छोड़ो ना उस मूर्ख की बातें, तुम कहाँ अपना दिमाग गर्म कर रहे हो, चल रहो। कुछ दिन बाद रमेश के पिताजी, अरे रमेश कितना उम्र हो गया है, कुछ काम धाम करने का सोचा है कि नहीं, कि दिन भर निठल्लो के तरह घूमते रहोगे गांव में? पापा इतना सारा पढ़ाई तो कर ही लिया हूँ, कोई ढंग का काम ही नहीं मिल रहा है तो क्या करूँ बताओ। कल मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए एक जेसीबी खरीद के ले आऊँ। हाँ पिताजी, मैं भी सोच रहा था कि जेसीबी ले लेते हैं, क्योंकि आजकल उसका डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। रमेश और उसके पापा जेसीबी खरीदने के लिए आते हैं और घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में सुरेश और मोहन उसको देख लेते हैं। रमेश सुरेश को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से निकलता है। देखा सुरेश भाई कैसे हमको चिढ़ा रहा है, ये भिखारी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गए? भाई लेकिन जेसीबी की खुदाई में बहुत पैसा है, देखना दिन ब दिन वो पैसा कैसा छापता है। मैं भी पापा को बोलकर जेसीबी खरीद कर लाता हूँ, फिर सस्ते रेट में काम करेंगे। ये हुई ना बात, सही कहा सुरेश भाई। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और दूसरे दिन ही सुरेश भी जेसीबी खरीद कर ले आता है। रमेश और सुरेश दोनों अपना अपना जेसीबी लेकर गाँव के चौराहे में खड़े होते हैं। रमेश सोचता है, ये साला सुरेश मेरा कॉपी करके जेसीबी खरीद लिया, मैं सोचा था कि अकेला हूँ तो अच्छी कमाई होगी, इसके आने से कंपटीशन बढ़ जाएगा। अपने आप को बहुत बड़ा तोपचंद समझ रहा था ना, अब देखता हूँ बेटा तू कैसे कमाई करता है। कुछ ही देर बाद एक पति पत्नी जेसीबी का बुकिंग करने के लिए आते हैं। पहले रमेश के पास गए, भाई घर बनाना है, उसकी खुदाई करवाना है, कितना है आपका चार्जेस? भैया 1500 घंटे में चलूंगा। अच्छा ठीक है चलो फिर। तभी सुरेश वहां से जोर से आवाज देता है, भैया मैं 1300 में चलूंगा। अरे वाह, वह तो 1300 में चल रहा है, चलो उसके पास। फिर वो उसके पास जाने लगते हैं। भैया मैं 1000 में चलूंगा, ऐसा रमेश बोला। भैया मैं 500 में चलूंगा। दोनों पति पत्नी इधर उधर जाने लगे। अजी अब तो 500 हो गया, अब तो चले ही जाते हैं। रुको अभी देखना, अब ये फ्री में काम करने के लिए जाएंगे। ये दोनों सुन लेते हैं और फिर बोलते हैं, ऑफर खत्म, ऑफर खत्म। लेडी चिढ़ते हुए बोलती है, लो हो गया ना सत्यानाश, कभी तो अपना दिमाग लगा लिया करो।
और गुस्से गुस्से में वहां से चली जाती है। पीछे पीछे उसका पति भी उसके साथ चला जाता है। क्यों रे, तू मुझसे हर बार लड़ते क्यों रहता है? तू अपना देखना, मैं अपने हिसाब से पैसा ले रहा हूँ। अरे मेरा जेसीबी, मेरा पैसा, मेरा पेट्रोल, मैं जितने चाहे मर्जी पैसा लूं, तू होता कौन है रे मुझसे ये बोलने वाला? ऐसे दोनों के दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। मोहन दूर से खड़े होकर उनको देखते रहता है। ये दोनों फिर से लड़ने लगे, कितने मूर्ख है। ऐसा कहकर मोहन उनको देखकर हंसते रहता है। अभी तुझको मजा चकाता हूँ। ऐसा कहकर रमेश अपनी जेसीबी में चला जाता है और उधर सुरेश भी अपनी जेसीबी में चला जाता है। दोनों के दोनों जेसीबी को आमने सामने लाते हैं और घमासान लड़ाई करते हैं। जेसीबी की जेसीबी से लड़ाई और थोड़ी देर में दोनों के जेसीबी में ब्लास्ट होता है और दोनों के दोनों जेसीबी टूटकर बिखर जाते हैं। सुरेश और रमेश अपना सर पकड़ लेते हैं। अरे ये क्या हो गया? अब दोनों अपना उदास चेहरा लेकर घर चले जाते हैं। जहां पर जेसीबी टूटा हुआ था वहां पर मोहन जाता है। लो, हो गया इनका काम तमाम। दूसरे दिन रमेश और सुरेश खड़े हुए थे। नजर पड़ती है कि सामने से एक जेसीबी चलकर आ रहा होता है और पास आने पर देखते हैं कि उसको मोहन चलाकर लेकर आ रहा होता है और दोनों के सामने से गुजरता है और मोहन दोनों को ऐसे मुस्कुराकर देखते हुए जाता है जैसे कि वो दोनों को चिढ़ा रहा हो। सुरेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब मोहन के वजह से हुआ है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अपना सर पटक के रह जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा दो की लड़ाई में तीसरा हमेशा फायदा उठाता ही है। आज के दौर पर मोहन जैसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो अपने फायदे के लिए किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं।